गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शन ऑफ अ टीचर एज ए काउंसलर, और उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस बिफोर द टीचर इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट। न्यू कॉन्टेक्स्ट में मतलब टीचर्स का क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो सोसाइटी है, आजकल का जो सोसाइटी है, उसमें टीचर्स को क्या क्या रोल प्ले करना पड़ता है, वो सारा पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ऐसे बोल देती हूँ कि देखो, आजकल क्या होता है, टीचर जो है सिर्फ उनका ये ड्यूटी नहीं है कि वो पढ़ाए। पहले क्या होता था, टीचर्स का मेन काम होता था, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, मतलब स्टूडेंट्स के साथ उनका कोई ऐसे क्लोज रिलेशन नहीं रखते थे टीचर्स। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक मतलब क्या करते थे, रोल प्ले करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन आजकल का जो टीचर्स है वो क्या होता है, थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है सबके साथ, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मतलब स्ट्रिक्टली या पनिशमेंट आजकल क्या है, मतलब देना मना है। तो जो एक रिलेशन है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच, एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। आजकल का जो वो है टीचिंग प्रोफेशंस में जो जो गाइडलाइन टीचर्स को मिलते हैं, वहाँ पे यही बोला जाता है कि एज ए टीचर हम लोगों को सिर्फ ये स्ट्रिक्टली स्टूडेंट के साथ पेश आना नहीं चाहिए, उन लोगों के साथ फ्रेंडली मतलब या क्लोजली क्या करना चाहिए, उन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई में वो सारा देखना, उन लोगों का लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारा, मतलब ऑलराउंड एक क्या करना पड़ता है, रोल प्ले, ऑलराउंडर की तरह हम लोगों को रोल प्ले करना पड़ता है। तो इसलिए जो नया जो जमाना है, जितना भी हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, टीचर्स के लिए और भी मतलब चैलेंजेस बढ़ रहा है। पहले का टीचर मतलब देखो, गुरु जो होते थे कितना स्ट्रिक्ट, वो जो बोलते थे स्टूडेंट या शिष्य को वही सब मानना पड़ता था। लेकिन आजकल का स्टूडेंट्स कैसे है, वो अपना अच्छा बुरा जो भी फील करते हैं बोल देते हैं, और टीचर्स को वो सारा सिचुएशन में पूरा कंट्रोल करके सबको क्या करना पड़ता है, संभलना पड़ता है। तो वो सारा बहुत चैलेंजेस आजकल टीचर्स को फेस करना पड़ता है। तो वो सब क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोला गया कि एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज इज टेकिंग प्लेस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड ऑल डिसिप्लिन्स, दिस मेक्स द टास्क ऑफ द टीचर मोर चैलेंजिंग। तो यही बोला कि आजकल का जो नॉलेज है पूरा एक्सप्लोशन हो रहा है, मतलब इतना हद तक आजकल का नॉलेज या टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतना एडवांस्ड है, मतलब सिर्फ सभी फील्ड में, टेक्नोलॉजिकली हो या मेडिकल लाइन में हो, टीचिंग में हो, सब में क्या हुआ, आजकल बहुत ही डेवलपमेंट होता जा रहा है सोसाइटी में, दिन ब दिन इतना डेवलप होता जा रहा है। उस वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स का भी नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। मतलब सोशल मीडिया में वो न्यूज़ पढ़ लेता है, पहले जो क्या है हम लोग न्यूज़, मतलब तुम लोग जो है, तुम लोग का जो एज का बच्चा है, वो लोग न्यूज़ उतना नहीं देखते थे, करंट अफेयर्स के बारे में पहले उतना नहीं जाते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया या मास मीडिया का जितना भी डेवलपमेंट हो गया है, उसके वजह से जो करंट न्यूज़ है वो सब के बारे में भी तुम लोग जानते हो। इसके बाद मतलब कोई भी मतलब कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है वो सब के बारे में भी तुम लोग अवेयर हो। तो ये जो नॉलेज का एक्सप्लोशन होता जा रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, टीचर्स को भी बहुत एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमेशा देखना स्टूडेंट्स मतलब टीचर जो भी बोलते थे वही मानना पड़ता था, वही सही है मान के स्टूडेंट चलते। लेकिन आजकल देखो हम लोग सभी अवेयर है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सभी इक्वली अवेयर है। तो तुम लोग भी जानते हो, और ये हम लोग अगर कुछ भी पढ़ा रहे या कुछ भी बोल रहे हैं, तुम लोग भी उसका रिप्लाई दे सकते हो कि नहीं ये नहीं, आजकल तो उसका उल्टा चल रहा है। मतलब ऐसा जो है ये सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है, क्योंकि आजकल का जो नॉलेज है या जो दुनिया है बहुत एडवांस है, एक्सप्लोशन होता जा रहा है, और इसीलिए मतलब टीचर्स को क्या करना पड़ता है, टीचिंग जो टास्क है, हम लोग का जो प्रोफेशन है टीचिंग, उसमें भी बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखो बुक में कुछ अलग पढ़ते हैं, फेस करते हैं कुछ अलग। अगर हम लोग बुक में कुछ पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोग अचानक से बोल दोगे नहीं मैम मुझे तो ये रियल लाइफ में ये नहीं लगता है, रियल लाइफ में तो और कुछ होता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो रियल लाइफ में आजकल क्या होता जा रहा है। तो वो सब जो है, इस सब के लिए टीचर्स को टीचिंग प्रोफेशन में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया, द
ever growing influence of mass media demands from the teacher that he makes a proper use of them in his teaching. तो यही मैं जो बोल रही थी, पहले देखो जो मास मीडिया है, पहले मास मीडिया बोलते हैं हम लोगों को, रेडियो, टेलीविजन, ये न्यूज पेपर, ये सर हम लोगों को मतलब समझ में आता था. लेकिन आजकल देखो ये सब के बावजूद इंटरनेट से हम लोग को इतना एक कनेक्शन हो गया है, मतलब सोशल मीडिया हम लोग बहुत सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है. सब स्टूडेंट्स हो, तुम लोग का एज का हो, हम लोग हो, मतलब सभी क्या होता है वो सोशल मीडिया में हम लोग सब कुछ न्यूज सब कुछ पता चल जाता है हम लोगों को. और वो सब के वजह से क्या करना पड़ता है, टीचर्स को भी ये सब का प्रॉपर यूज करना चाहिए, टीचिंग में हो या कुछ भी जो मास मीडिया है उसका प्रॉपर यूज करना जानना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स भी वो सब के बारे में जानता है. नेक्स्ट है, ए टीचर डील्स विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द सेक्शन एंड दे हैव टू बी ट्रीटेड इक्वल एंड गिवन ड्यू केयर. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है. क्या होता है देखो, हम लोग जो क्लासरूम में 40-50 स्टूडेंट्स होता है और सब अलग अलग मतलब समाज का, सोसाइटी का अलग अलग सेक्शन से आते हैं, कोई बैकवर्ड, कोई एडवांस, मतलब अलग अलग सेक्शन से जो स्टूडेंट्स आते हैं. लेकिन टीचर्स को क्या करना पड़ता है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए और सबको इम्पोर्टेंस केयर मतलब इक्वल देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई में अच्छा है या वो अच्छे फैमिली अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे बोला गया देखो, ए टीचर डील्स विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस एंड दे हैव टू बी ट्रीटेड इक्वल. सबको इक्वली टीचर्स को क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है. ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए. नेक्स्ट है, द टीचर हैज टू अडॉप्ट ए डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड सोशलिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. तो टुवर्ड्स हम लोग को ऐसा एक मतलब लिबरल होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहिए जो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके या कोई हम लोग कंट्रोवर्शियल इश्यूज को लेके डिस्कस नहीं करना चाहिए क्लास में हो या कहीं पे भी. टीचर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए. नेक्स्ट है, the teacher must have adequate knowledge of concept like work experience SUPW etc as they have become an integral part of modern educational process. तो आजकल हम लोग मैं पहले भी जो बोली थी, जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम भी पहले से कितना एडवांस हो गया है, तो उस इसीलिए इसमें कुछ नया नया टॉपिक, नया नया कंसेप्ट इंक्लूड हो गया है. जैसे कि एक है वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है हम लोग जो भी पढ़ते हैं उससे मतलब कुछ सीखे, प्रोडक्टिव कुछ करे. वर्क एक्सपीरियंस का मेनली वही है कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन प्रोडक्टिव सिचुएशन, कोई भी कुछ प्रोडक्टिव कुछ करे. हम लोग सिर्फ थियोरिटिकली ये बुकिश नॉलेज होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी सीखना चाहिए जो कि जाके स्टूडेंट्स को फ्यूचर में हेल्प करेगा, एज ए वोकेशन वो चूज कर पाएगा. वो सारा नॉलेज भी एक टीचर को होना चाहिए. द टीचर मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट लाइक वर्क एक्सपीरियंस. अगर ये सब का नॉलेज एक टीचर के पास ही नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स को कैसे उसके बारे में नॉलेज दे पाएगा. इसीलिए एज ए मॉडर्न टीचर के पास ये सारा एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में. नेक्स्ट है SUPW. SUPW मतलब है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क. तो वही है सोसाइटी के लिए जो जो यूजफुल है, मतलब सोसाइटी हो या स्टूडेंट जो है वो लोग जाके फ्यूचर में कुछ वोकेशन के लिए कुछ प्रोडक्टिव कुछ कर पाए, जो सोशली यूजफुल है, ऐसा कुछ एक्टिविटी करे. तो ये सारा टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ SUPW बोलो, वर्क एक्सपीरियंस बोलो या कम्युनिटी वर्क बोलो, कम्युनिटी सर्विस, ये सारा कंसेप्ट क्या है, इंक्लूड हो गया है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में. इसीलिए ये सब के बारे में टीचर्स को एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर टीचर्स के पास ये सारा नॉलेज नहीं होगा तो वो प्रॉपरली स्टूडेंट्स को भी समझा नहीं पाएंगे या प्रोडक्टिव कुछ काम नहीं करवा पाएंगे. यहाँ पे प्रोडक्टिव जो वोकेशनल कुछ काम है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, बाहर क्या होता है, ये जो एकेडमिक या करिकुलम में हम लोग जो पढ़ते हैं उसके भी बाहर को करिकुलर एक्टिविटीज कुछ होता है, इसके साथ
नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी, एग्रीकल्चर, कुछ टेक्निकल वर्क्स, ये सब भी सिखाया जाता है। क्योंकि ये जो थ्योरिटिकल नॉलेज है, ये सब इससे क्या नहीं होता, हम लोग फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये इसके मतलब बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव कुछ काम भी सिखाना जरूरी है। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन बोलता है कि ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो एकेडमिक लाइफ, जो स्टडीज एकेडमिक स्टडीज ये खत्म करके डिग्री लेके बस बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो क्वालिटी है उसको एज ए प्रोफेशन लेके वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, इनकम सोर्स एक चूज कर पाए, ऐसे एजुकेशन उनको देना चाहिए। तो इसीलिए एजुकेशन को आजकल वोकेशनलाइज्ड किया गया है। वोकेशनलाइज्ड मतलब कुछ वोकेशनल कोर्सेस एजुकेशन में इंक्लूड हो गया है। तो इतना सारा जो नया नया कंसेप्ट एजुकेशन में आ रहा है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ये सारा कंसेप्ट आ रहा है, उसके साथ साथ हम लोग टीचर्स का भी नॉलेज अपडेट होना जरूरी है। पहले शायद हम लोग ये सब के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब भी ये एजुकेशन में इंक्लूड हो जाएगा तभी एक टीचर्स को ये सब के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब एक टीचर ये सब के बारे में अच्छे से जान पाएगा तभी वो स्टूडेंट्स को वो काम करवा पाएगा। ठीक है, तो ये सारा गया मेनली हम लोग का चैलेंजेस बिफोर द टीचर इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट में बोला गया कि हम लोग का जो नॉलेज है इतना बढ़ रहा है दिन ब दिन, सभी फील्ड में हम लोग बहुत मतलब तरक्की कर रहे हैं हम लोग का सोसाइटी। और उससे क्या होता हुआ है, स्टूडेंट्स का भी नॉलेज बहुत ही बढ़ गया है। ठीक है, और वो लोग भी बहुत एक्टिव हो गया है, अलर्ट हो गया है। और इसीलिए टीचर्स के सामने भी अब बहुत बड़ा चैलेंज है वो सारा कंट्रोल करना, स्टूडेंट्स का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको राइट पाथ देना। मतलब तुम लोग जो भी सोचते हो, कभी कभी होता है कुछ चीजों को लेके तुम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत होता है, तो एज ए टीचर उनका ड्यूटी होता है कि वो सब एक राइट पाथ स्टूडेंट को दिखाए। जो भी नॉलेज तुम लोग के पास है वो सही नॉलेज हो, वो सारा ख्याल टीचर्स को रखना चाहिए। और ये सब के वजह से क्या होता है, टीचर्स को बहुत मतलब एक चैलेंज का फेस करना पड़ता है। सेकंड में हम लोगों को मिला कि जितना भी मास मीडिया का जितना एडवांस होता जा रहा है उतना ही स्टूडेंट मतलब टीचर्स के लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए टीचर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, वो जो मास मीडिया है या कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो भी वो है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया हो, मास मीडिया हो, कोई भी उसका सही यूज टीचिंग में होना चाहिए। प्रॉपर यूज करने से ही क्या होगा, टीचर अपना प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, उसका कभी भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर्स को ही फॉलो करते हैं। अगर टीचर कुछ मिसयूज करेगा, कुछ मास मीडिया या ये सब को कभी भी कुछ वो होगा क्रिटिसाइज करेगा तो स्टूडेंट्स भी वही सब सीखेगा। इसीलिए बोला गया कि मास मीडिया का प्रॉपर यूज होना चाहिए टीचिंग में। थर्ड में हम लोगों को मिला कि स्टूडेंट जो है एक क्लास में ही देखो, अलग अलग सेक्शन सोसाइटी का अलग अलग सेक्शन से क्या होता है, स्टूडेंट्स आता है और टीचर्स को क्या करना पड़ता है, सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में ऐसा फीलिंग्स नहीं आना चाहिए कि सर या मैम उसको अलग से ट्रीट करते हैं, मुझे अलग से ट्रीट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज ए सक्सेसफुल टीचर हम लोग को हमेशा सभी स्टूडेंट्स को, वो जैसा भी हो, सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। और ये भी कभी कभी हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट है टीचर्स मतलब क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड सोशलिस्ट एटीट्यूड रखना चाहिए, मतलब लिबरल होना चाहिए। कोई भी क्रिटिसिज्म या जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है वो सब सबको लेके कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो उसको लेके जो भी वो है, मतलब ये सारा डिस्कस कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा एक लिबरल रहना चाहिए, सबके साथ सभी टॉपिक पे मतलब उतना कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहिए टीचर्स को। नेक्स्ट है द टीचर मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज, मतलब एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन जो प्रोसेस है उसमें नया नया जो कंसेप्ट कुछ आ रहा है, इंक्लूड होता जा रहा है,
जितना भी हम लोगों का सोसाइटी एडवांस होता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारा नया कंसेप्ट इंक्लूड हो रहा है एजुकेशन में। और वो सब सारा जो कंसेप्ट है, लाइक यहाँ पे बोला गया कि वर्क एक्सपीरियंस SEOPW, इसके बाद कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी मतलब कुछ वर्ड्स है, वो सब के बारे में टीचर्स को एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब टीचर्स के पास वो सब के बारे में नॉलेज होगा तभी वो स्टूडेंट्स को क्या कर पाएगा, वो सब के बारे में बोल पाएगा और कुछ प्रोडक्टिव कामों में स्टूडेंट्स को एंगेज कर पाएगा। और एज ए वोकेशन, एज ए प्रोफेशन, स्टूडेंट्स को कौन सा लाइन में जाना है, किसका इंटरेस्ट क्या है, वो सारा भी टीचर्स को क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा गया हम लोग का चैलेंजेस। और भी ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस हम लोग को डे टू डे लाइफ में, हम लोग के प्रोफेशन में सामना करना पड़ता है, ये मेन जो है। तो क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम हम लोग को क्यों फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि मैं पहले बोली थी, आजकल टीचर जो है वो ऑलराउंडर, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए गाइड, मतलब ऑलराउंडर की तरह काम करना पड़ता है। सिर्फ स्टूडेंट टीचर ऐसा रिलेशन नहीं है, आजकल स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है कॉर्डियल म्यूचुअल रिलेशन है, और इसीलिए बहुत सारा चैलेंजेस हम लोगों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा गया हम लोगों का टीचर्स का चैलेंजेस। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो मिलेगा स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स को लेके ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स का क्या क्या है, देखो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन सा स्टूडेंट, मतलब इंटेलिजेंस के हिसाब से IQ लेवल एक बोला जाता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो एवरेज स्टूडेंट का IQ कितना है, सुपीरियर का कितना है, वो सारा हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज के बेसिस पे स्टूडेंट्स का कुछ क्लासिफिकेशन है, वो सब क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है मेनली, जैसे कि मैं बोली थी IQ लेवल के हिसाब से स्टूडेंट्स का वो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है कि स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन दो चीजों में डिपेंड करता है, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एबिलिटीज, और एक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। ठीक है, फिजिकली एक बच्चा कैसा है उसका बहुत सारा टाइप है, इसके बाद मेंटल एबिलिटीज मतलब किसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, वो सबसे हम लोग क्या कर पाते हैं, स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। वहां पे हम लोग को मिलेगा जीनियस, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, एवरेज। तो सबसे जो कॉमन है वो है एवरेज, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स का IQ लेवल कितना है। तो वो सारा डिस्कशन हम लोग कल क्लास में करेंगे, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो वो हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो प्रॉब्लम्स टीचर्स का डिस्कस किया गया है, अगर इसमें तुम लोगों का कुछ समझ में प्रॉब्लम है, कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।